26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड के मौके पर पहली बार इंडियन नेशनल आर्मी INA के चार वेटरन भी राजपथ पर नजर आएंगे। INA को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था। आजादी के बाद से ये पहला मौका है जब INA के वेटरन परेड में हिस्सा ले रहे हैं। INA ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन किसी भी सरकार की ओर से परेड में INA को शामिल होने का सम्मान नहीं दिया जा सका था। INA को आजाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। INA की शुरुआत रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में साउथ ईस्ट एशिया में शुरू की थी। इसका मकसद देश को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाना था, लेकिन इसी वर्ष कुछ मतभेदों के चलते दिसंबर में INA का पतन हो गया था। फिर रास बिहारी बोस ने INA का जिम्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को जर्मनी में नेताजी ने आजाद हिंद फौज का ऐलान किया। इसका मतलब था आजाद भारत की आजाद सेना। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN News।